11th क्लास बेटा, आज हम 6th चैप्टर का टॉपिक द फर्स्ट ऑर्डर द क्लर्जी कर रहे हैं, प्रथम वर्ग और पादरी वर्ग। इसमें बेटा सबसे पहले कैथोलिक चर्च हैड इट्स ओन लॉज, चर्च के अपने नियम थे। राजा ने उनको जो ज़मीनें दी थी उससे वो टैक्स ले सकते थे, इसीलिए ये काफ़ी पावरफुल इंस्टीट्यूशन थी जो कि राजा पर डिपेंड नहीं थी। वेस्टर्न चर्च का हेड पोप था जो कि रोम में रहता था। यूरोप में जो क्रिश्चियंस थे, द क्रिश्चियंस इन यूरोप वर गाइडेड बाय बिशप्स एंड क्लेरिक्स हु कॉन्स्टिट्यूटेड द फर्स्ट ऑर्डर। मोस्ट विलेजर्स हैड देयर ओन चर्च। जैसे हमारे यहाँ पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, इसी तरह यूरोप में ईसाई सोसाइटी को गाइडलाइन देने वाले होते थे बिशप्स एंड पादरीज। ये फर्स्ट ऑर्डर के मेंबर्स माने जाते थे और जिन गांव में भी, ज़्यादातर गांव में चर्च होते थे और वहाँ पर हर एक संडे को लोग पादरी के प्रीचेस सुनने के लिए आता था और एक कलेक्टिव प्रेयर वो करते थे, सामूहिक प्रार्थना वो वहाँ पर करते थे। हर व्यक्ति बेटा पादरी नहीं हो सकता था, जैसे कि कौन, कृषि दास सर्फ वो पादरी नहीं बन सकता था, या कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो भी नहीं, और लेडीज भी, इनके ऊपर बैन होता था। जो पादरी बन सकते थे बेटा वो शादी नहीं कर सकते थे। तो अब इन द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू ये बिशप, इनको नोबल्स माना जाता था, अभिजात यानी कि इसमें ऊपरी वर्ग माना जाता था। बिशपों के पास भी लॉर्ड की तरह अपनी जागीरें होती थी और बहुत ही लग्जरियस लाइफ स्पेंड करते थे, बहुत ही बढ़िया पैलेसेस होते थे। चर्च को एवरी ईयर, हर वर्ष एक वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का राइट था, 10th पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसको टीथ कहा जाता था। इसके अलावा अमीर लोग अपने कल्याण के लिए, अपने वेलफेयर के लिए, या डेथ के बाद अपने रिलेटिव्स के लिए, उनकी जो वेलफेयर के लिए जो भी डोनेशन देते थे वो भी सोर्स ऑफ इनकम था चर्च का। सम इम्पोर्टेंट सेरेमनीज कंडक्टेड बाय द चर्च कॉपीड फॉर्मल कस्टम्स ऑफ द फ्यूडल एलाइट। तो इस तरह से चर्च के जो कुछ रीति रिवाज थे, उनके कुछ महत्वपूर्ण रस्में, वो जैसे हमने पढ़ा है 2nd क्लास नॉवल्स की, सामंतिक कुलोनों की तरह ही होती थी। जैसे प्रार्थना करते वक्त हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर, घुटने के बल झुकना। अब ये क्या था, नाइट द्वारा अपने वरिष्ठ लॉर्ड के प्रति वफादारी की शपथ लेते वक्त अपनाए गए तरीके की नकल थे। जब लॉर्ड के प्रति नाइट अपनी वफादारी दिखाता था तो जाता है, उसके हाथ जोड़ता था, झुककर प्रणाम करता था, या फिर जो है घुटनों के बल भी झुक जाता था। तो इसी तरह की वर्किंग पादरियों के सामने लोग करते थे। इस प्रकार ईश्वर के लिए लॉर्ड शब्द का जो प्रचलन एक उदाहरण था, जिसके द्वारा सामंती संस्कृति चर्च के उपासना कक्षा में प्रवेश करने लगे, और इस प्रकार अनेक सांस्कृतिक सामंती रीति रिवाजों और तौर तरीकों का चर्च की दुनिया में अपना लिया। तो बेटा मेन कि जैसे लॉर्ड माना जाता है, ईश्वर के लिए भी वर्ड यूज़ करते हैं, गॉड के लिए भी लॉर्ड वर्ड यूज़ किया जा रहा है, तो ये एक एग्जांपल है कि लॉर्ड की, लॉर्ड फ्यूडल सिस्टम की ये कॉपी कर रही थी। जो प्रीस्ट हैं पादरी वर्ग फ्यूडल सिस्टम की कॉपी कर रहा था, तो जैसे वहाँ पर लॉर्ड वर्ड यूज़ किया गया सामंतों के लिए, इसी तरह यहाँ इन्होंने लॉर्ड वर्ड यूज़ किया भगवान के लिए, गॉड के लिए। इसके अलावा जैसे फ्यूडल कल्चर को अडॉप्ट किया जाता था, उसकी जो वर्किंग्स होती थी, उसी तरह की वर्किंग्स इन्होंने भी अपनी जो है लाइफ में या अपने वर्ल्ड में अडॉप्ट।